बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर किसी लड़की की शादी जो है वो किसी और प्रोविंस में हो सकती है, तो आया कि वो जो है वो अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो बहुत दफ़ा पेश आती है। फ़र्ज़ किया कोई लड़की जो है वो पंजाब डोमिसाइल होल्डर हो और उसकी शादी जो है वो सिंध के अंदर हो जाए, तो अब उसका हस्बैंड का जो डोमिसाइल है वो सिंध का होगा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर फ़र्ज़ के सिंध के अंदर कोई जॉब्स आती हैं, तो आया कि वो जो है वो उस डोमिसाइल पर अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पर अप्लाई कर सकती है या नहीं। तो यस, बिल्कुल ये पॉसिबल है। वो लड़की ना सिर्फ अपने डोमिसाइल पर पंजाब के अंदर अप्लाई कर सकती है, बल्कि वो सिंध के अंदर जो है वो अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पर भी अप्लाई कर सकती है। तो शादीशुदा लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी है। कोशिश किया करें कि आप चाहे वो किसी और प्रोविंस के अंदर सर शादी किया करें, ताकि आप फ़र्ज़ के वही लड़कियाँ जो चाहती हैं कि उनकी जॉब हो जाए, तो उनके लिए चाहे वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। वो एक प्रोविंस के अंदर भी जो वो मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए अप्लाई करने के अहल हो जाती हैं, और दूसरे प्रोविंस के अंदर भी जॉब करने के लिए और अप्लाई करने के जो वो अहल हो जाती हैं। तो आप इस चांस को जो लाजमी अवेल किया करें, इस तरीके के जो अवेल किया करें, तो फिर ही जो वो आपकी जॉब के लिए चांसेस जो वो बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो वो समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।